हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बिना कोई ऐप डाउनलोड करे व्हाट्सएप के स्टेटस और फोटो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, या तो आप डायरेक्टली फाइल में जाइए और यहाँ पर कोई ऑप्शन हो तो आप उससे जो हिडन फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। पर मेरे जो मोबाइल है ओप्पो A3s, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आप गूगल प्ले पर जा सकते हो। वैसे बहुत सारी एप्लीकेशन आती है इसके लिए, पर मैं प्रेफर करता हूँ फाइल्स को, जो कि गूगल का ही है। तो ये फाइल्स में जाइए, फाइल्स में आपको ये फाइल्स मिल जाएगा। तो इस फाइल्स को ओपन कर लीजिए। अभी मेरा अपडेट मांग रहा है, मेरा डाउनलोड कर रखा है इसको। डायरेक्टली मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली मैं ओपन करता हूँ। अब इसमें आपको कहाँ जाना है ये मैं बताता हूँ। ये आपको फाइल्स भेजी है, इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये देखो, इंटरनल है एक्सटर्नल है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ जाइए, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जो लिखा हुआ है सो हिडन फाइल, ये ऐसा ऑफ रहता है जब आप इसको इंस्टॉल करोगे। तो इसको ऑन करिए, द सो फाइल दैट आर यूज टू रन एंड्रॉयड एंड एप्स। अब ये क्या होता है कि जो हिडन फाइल है, स्पेशली जो एक्सटेंशन होते हैं, कुछ एक्सटेंशन ऐसे होते हैं जो हिडन रहते हैं, तो उसको अनहिडन करने के लिए ये होता है। अब इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज जाना है। इंटरनल स्टोरेज में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप को ढूंढिए, क्योंकि व्हाट्सएप में ही आपका जो राज है स्टेटस का वो छुपा रहा है। यह कंपनी का ये एक आइडिया है बोल सकते हैं, और इनका अपडेट आया था उस पर ये हुआ है। तो ये मीडिया में जाइए, मीडिया में आपको ये सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी। मतलब आपकी वीडियो हो गई, वॉइस हो गई, स्टिकर हो गए, इमेज, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, एनिमेशन, वॉलपेपर। अब यहाँ स्टेटस में जाइए, यहाँ देखिए जीरो, यहाँ डॉट स्टेटस लिखा हुआ है। डॉट का मतलब क्या, ये ऐसी एक्सटेंशन है, ऐसी फाइल है जो कि हिडन होती है। तो ये अनहिडन इस ऐप की वजह से आप अनहिडन कर सकते हो इसको। तो ये इसमें जाइए, यहाँ पर आप सब देख सकते हो, जितनी भी वीडियो होगी, स्टेटस होंगे। पर ध्यान रखिए, अगर आपको इनका कॉपी करना है तो आप डायरेक्टली इनको सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अगर मूव करेंगे तो ये जो, जैसे कि मूव करता हूँ मैं इसको, तो मैं इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो उसके बाद क्या होगा कि आप वापस व्हाट्सएप में जाके इसको चलाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं चलेगी, क्योंकि आपने उसको डेटा पूरा मूव कर लिया है। या फिर आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कंटिन्यू चलेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।